धनिया के पत्ते अगर आपने सही से नहीं पकाए, या जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ वो आपने यूज़ नहीं करी, तो गले में थोड़ी सी खुजली टाइप की होने लगती है, ईचिंग होने लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज एक्सप्लोर विद आकांक्षा। कैसे हो आप सब? होप आप लोग सेफ होगे, हैप्पी होगे और हेल्दी होगे, बिकॉज हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है और हैप्पी रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। सो मुस्कुराते रहिए। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ ट्राई करती हूँ। सो कल मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाला जो कि फूड से रिलेटेड था। सो काफ़ी लोग के कमेंट आए कि इसकी फुल रेसिपी दीजिए यूट्यूब पर। सो मैंने सोचा क्यों ना देती हूँ। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं अरबी के पत्ते की सब्जी। सो सब्जी एक स्नैक्स की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, आप इसे डिनर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, लंच की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो बारिश के मौसम में घुइया के पत्ते जो होते हैं, अरबी के पत्ते, वो बड़े हो जाते हैं। सो उसकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनती हैं। आप घुइया के पत्ते को एज इट इज़ बना सकते हो जैसा कि मैं बना रही हूँ, और उन्हें आप कट करके पतले पतले पीसेस में कट चॉप करके और उसके पकौड़े भी बना सकते हो, उसके कोफ्ते भी बना सकते हो, काफ़ी सारी डिशेस बनती हैं। सो अभी मैं आपके लिए ये डिश लेके आई हूँ। इसे कहीं कहीं पर अरबी के पात्रा भी बोलते हैं आते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और काफ़ी पसंद करते हैं लोग इसे। और यार मैं आपको एक सीक्रेट भी बताऊंगी कि इसमें क्या करना है जिससे कि गले में खराश ना हो, क्योंकि घुइया के पत्ते अगर आपने सही से नहीं पकाए, या जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ वो आपने यूज़ नहीं करी, तो गले में थोड़ी सी खुजली टाइप की होने लगती है, ईचिंग होने लगती है। सो चलिए देखिए मैं कौन सी ट्रिक बताने वाली हूँ, और इन्जॉय करिए इस रेसिपी को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और हमारे वीडियोस को इन्जॉय करिएगा। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। सो लेट्स गो। अरबी के पत्तों की इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे अरबी के पत्ते। सो अरबी के पत्तों को हम ले लेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे, और जो इसकी डंठल है इसे ज़रूर निकाल लेंगे। यही वो एक सीक्रेट टिप थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आप इसकी डंठल नहीं निकालते हो तो गले में खराश होगी, खुजली होगी, जिससे आपको प्रॉब्लम होगी। सो आप इसकी डंठल को ज़रूर निकाल दीजिएगा और इसे वॉश कर लीजिएगा। जब आप इन पत्तों पर पानी डालते हो तो देखिए कैसे लगता है कि जैसे मोती बन गए हों। सो बहुत ही देखने में सुंदर लगते हैं और खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेसन, और इसके बाद हमें चाहिए होगा अजवाइन और हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे और सॉल्ट भी टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फिर पानी डाल के इसका हम बैटर बना लेंगे। इसका बैटर थोड़ा थिक बनाना है, इस तरीके से पतला बैटर नहीं बनाना है। और आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर, नींबू या फिर कच्चा आम पीस के डाल सकते हो। और अब हम एक कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे और इसके ऊपर एक छलनी रख देंगे, और इसके बाद इस पर हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे जिससे जब हम पत्ते रखें तो रोल रखें तो वो चिपके नहीं। सो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो एक एक पत्ते को लेकर हम उसकी लेयरिंग बनाएंगे बैटर की। सो बैटर को लगाते जाएंगे और पत्ते रखते जाएंगे, इस तरीके से हम लेयरिंग बना लेंगे। 3-4 पत्तों की लेयरिंग बनानी है आपको, इससे ज़्यादा बनाएंगे तो काफ़ी थिक हो जाएगा, 3-4 पत्तों के लिए सही है। फिर 3-4 पत्तों की लेयरिंग बनाने के बाद हम इसका रोल बनाएंगे। सो रोल बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से बीच से प्रेस करते हुए बनाना है और हल्के हाथों से बनाना है, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, फट जाते हैं। सो आप इसे अच्छे से रोल बना लीजिए। इसके बाद जो हमने छलनी रखी है पानी गर्म करने के लिए उसके ऊपर इसे रख देंगे और इसे ढक देंगे। तो सारे रोल्स को हम इस छलनी के ऊपर रख देंगे और एक प्लेट से ढक देंगे, और 5 मिनट के लिए इसे पकाना है, इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये एक साइड से पक गया है। अब इसे हम फ्लिप कर देंगे, पलट देंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे। सेम 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ढक देंगे इसे प्लेट से। सो अब देखिए
ये देखिए ये बिल्कुल कलर इसका चेंज हो चुका है, इसका मतलब ये पक चुका है। अब इसे हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी शेप में कट कर सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड शेप में कट कर रही हूँ। राउंड शेप में कट करने से बहुत ही अच्छी लेयरिंग दिखती है इसकी, तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्राई होने के बाद। सो अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इसमें हम जो हमने पीसेस कट किए हैं उसे फ्राई करेंगे। आप इसे तवे पे रोस्ट भी कर सकते हो कम ऑयल लगा के। सो ये पकौड़े टाइप से बन रहा है, सो इसलिए डीप फ्राई कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है पर बनने के बाद। और ये रेडी हो गया है। सो देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसकी लेयरिंग कितनी अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है, इसे आप किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। दाल चावल रोटी पूड़ी पराठा या फिर स्नैक्स की तरह चाय के साथ ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो। सो मैं इसे रोटी के साथ खाने जा रही हूँ। सो देखिए मैं कितनी फूली रोटी बना रही हूँ, ये देखिए बहुत ही फूली रोटी बन रही है, छोटी छोटी फूली रोटी। और रोटी जब आप गरम गरम खाते हो तभी अच्छी लगती है, ठंडी रोटी तो बिल्कुल अच्छी लगती ही नहीं है। सो आप गरम गरम रोटी के साथ गरम गरम अरबी के पत्तों की इस रेसिपी को इंजॉय करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you like the recipe, and if you like the recipe, please do like, comment, subscribe my channel and stay tuned for more updates. मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है बाहर, कभी धूप हो रही है कभी छांव हो रही है, तो इस सीजन में और बारिश के मौसम में चलिए चलते हैं, एंजॉय करते हैं अरबी के पत्तों की ये डिलीशियस रेसिपी, एंजॉय करते हैं और बारिश को एंजॉय करते हैं।